अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएम पावर पॉइंट और मैं हूं सोनिया सदाकत। चतराल की जन्नत नज़ीर वादी कैलाश की सड़कों पर पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार तामीराती काम शुरू हुआ, जिससे वादी कैलाश के कैलाश और मुसलमान दोनों कबीलों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद देखते हैं तफसील गुलमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। बैन अलाक़वामी शोहरत के हामिल वादी की लाश की सड़कों पर तामीर का काम शुरू हुआ, जिससे वादी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार इस सड़क की तामीर पर वादी के लोग नहायत खुश हैं। ये सड़क नहायत तंग और खतरनाक होने की वजह से अक्सर गैर मुल्की सयाह इस पर पैदल सफर किया करते थे। ये इसलिए आपने वो इतनी डेंजरस है तो फिर हमने पैदल सोचा कि नीचे उतर जाते हैं कि गाड़ी बजाय गाड़ी पीछे आ रही है। कैलाश कबीले के मर्द और खवातीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म कैलाश का भी शुक्र अदा किया, जिनकी कोशिशों से इस पर अमली काम शुरू हुआ। तो जागर रोड बन गया तो फायदा सिर्फ हमारा नहीं, फायदा गवर्नमेंट का भी है। यहाँ पे टूरिज्म का सबसे बड़ा जो वो है वो टूरिज्म यहाँ पे आती है, और टूरिज्म का भी यही कहना, अगर रोड बना तो ये जगह काफी डेवलप हो सकती है, काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। हमारे यहाँ सड़क की बहुत बड़ी मसला है और बर्फबारी होने पर तो हम स्कूल भी नहीं जा सकते और कॉलेज भी नहीं जा सकते। जब बीमारी होता था तो चारपाइयों पर या वो लकड़ियों पर उठाकर ले जाते थे, या वो बड़ा सा टोकरी होता था उसमें बैठाकर। तकरीबन 2015 में जब सैलाब आया उसके बाद की जो मनाजिर थी, 3 महीने तक कैलाश वैली जो है रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक था, यहाँ एक्सेसिबल नहीं था, यहाँ खुराक लाने में मुश्किल था। यहाँ बसने वाले मुसलमान भी सड़क की तामीर पर खुशी का इजहार करते हैं। इन लोगों ने भी हुकूमती इदारों के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अदनान का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने माजी में अयून पुल और इस सड़क की मरम्मत अपने जाती खर्चे से की। तो ये रोड बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत सहूलत होते, अभी तो हमारे बहुत मुश्किल में है। वादी कैलाश के लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सड़क की तामीर से सियाहत फरोग पाएगी। तहम उनका मुतालबा है काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि सर्दी आने से पहले पहले सड़क की कुशादगी का काम मुकम्मल हो। वादी कैलाश की सड़कों पर पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार काम का आगाज हो चुका है, जिससे मुसलमान और कैलाश दोनों खुश हैं। ये लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि बर्फबारी से पहले पहले ये मुकम्मल हो। वादी कैलाश चतराल। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एसएम पावर पॉइंट।